इसके लिए इनको मुबारकबाद। कृषि में बैठे हुए हैं गुरु कृपा पर जो हमारे कृषि पेटेंट हुआ है, कल मैं बोल चुका हूँ, अभी मैं इसलिए कहना चाहूंगा जो आपने ढूंढा है एक बार सेवा दल जंबल ये जनता काम आएगा, ये जनता काम आएगा पूरे संकट में कामयाबी के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, सेवा दल का जनता काम आएगा पूरी तरह जनेंगे कामयाब करेंगे। ऑलरेडी हमें लड़नी है, पूरे देश के अंदर माहौल है, दिल्ली में मालूम है कि एंट्री देनी है, अभी नहीं देने एंट्री, और जो आने में तैयार बैठे हैं दिल्ली सब जगह जिला में राज्यों में उन्होंने और इनका जो रूप देख रहे कल रात को मैं एक बजे तक यह शहर उठा रहा था, एक बजे गया हूँ क्योंकि जब तक राहुल जी नहीं छूटे शिंदी से तब तक जब हम यहाँ आए हुए तो हम देखो इंतजार करें और उनको करीब साढ़े बारह छोड़ा होगा, साढ़े बारह पौने पर छोड़ा होगा, ये स्थिति आज तक कोई हुआ ही नहीं। पहली बार देख रहे हैं कि एक नीति इस प्रकार के सवाल कर रही है, कोई हमारे महान नेता था जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा कांग्रेस का, उनके ऊपर ये जो व्यवहार किया जा रहा है वो निंदनीय है। इससे हम लोग निंदा करें वो कम है, जितनी निंदा करें कम है, पूरा देश देख रहा है। इंदिरा जी के वक्त का भी यही माहौल बना था, वातावरण बना है और देशद्रोह अभियान भी हो गए सब कुछ जोड़ा आंधी चली इंदिरा गांधी की, तो वे आश्चर्य कि राहुल गांधी के बारे में जो भी धारणा देश भर के अंदर बनी है वो हम सोच नहीं सकते हैं। उनको मालूम है कि एकमात्र नेता है कांग्रेस का जो कि मोदी जी का मुकाबला कर रहा है, सबसे अच्छा अधिकार और महाराष्ट्र में देख लो क्या हो रहा मालूम है आपको, महाराष्ट्र के 13 MLA को लेके एक पूर्व मंत्री चला गया है, वो बहुत ही वर्तमान है, वर्तमान मंत्री पूर्व मंत्री है, पूर्व मंत्री वो चला गया वहां शुरू कर रहा है, तो सरकार गिराने का प्रयास पहले मध्य प्रदेश में हुआ, राजस्थान में हुआ और अब ये जो है महाराष्ट्र का कर रहा है। आप सोच सकते हैं इस प्रकार के माहौल के अंदर हम लोग बैठे हुए यहाँ पर सरकारें गिराने का षड्यंत्र चल रहे हैं देश के अंदर, ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। इसलिए बार बार कहते हैं संविधान की धज्जियां उड़ रही है, लोकतंत्र खतरे के अंदर है, ईडी इनकम टैक्स ईडी का इश्यू हो रहा है और जुडिशियल दबाव कहते थे आदमी कहाँ जाए, जुडिशियल भी जाता अंत में, अगर जुडिशियल खुद ही दबाव में हो और खतरनाक खेल है देश का, अगर रिलीफ देशवासियों को जुडिशियल नहीं मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी, उसको दबाव में ले रखा है लोगों ने, तो जितना कह होता काम है ये फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र का खाली मुकुटा पहना गया इन लोगों ने, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं कोई विश्वास इनका नहीं है, पहले मुकुटा पहन के राजनीति कर रहे हैं, धीरे 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 ध्रुवीकरण कर रहे हैं हिंदू मुसलमान के बीच में, तो और भी खतरनाक है, और भी खतरनाक है, देश एक राय अखंड राय की जाति धर्म वर्ग सब मिलकर के चलते ही आते हैं, तो कांग्रेस जन है सब उठा लेकर चले हैं, ये तोड़ रहे हैं उस सामदेशी को तोड़ रहे हैं, तो देश में आज तक हिंदू का मुसलमान का सिख का ईसाई का स्वास्थ्य के जैन का एक राह था उन्हें तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप लोगों को बहुत बड़ी जिम्मेवारी आप पर है, मुझे खुशी है कि यह ही भरी भरी है कार्यकर्ताओं से, रात को आके आप लोग सो गए तो सो गए थे मुझे मालूम है यहाँ बैठा बैठा, तो मुझे मालूम है आपका जो भावना है वो सब की एक भावना है, हम सब मिलकर के मुकाबला करेंगे, यही बात करता हूँ मैं आपको, धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।